हेलो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो हमारे एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट भूल चुके हो तब भी दोस्तों उस इंस्टाग्राम को पहले लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद दोस्तों उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन कैसे डिलीट करेंगे आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे इस वीडियो के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर हमारे इस वीडियो को देखते हो तो दोस्तों अपने इंस्टाग्राम को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया, उसके बाद दोस्तों चले जाना होगा इंस्टा अकाउंट पे। जैसे हम दोस्तों यहां से अपना इंस्टा अकाउंट पे चले गए हैं और हमारे सामने देखो कुछ इस तरह से इंस्टा आईडी आ गया खुल करके। बाय चांस मान लो दोस्तों हमें इस इंस्टा अकाउंट को डिलीट करना होगा, डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहां वाले इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस वाले पे क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर देना होगा इस वाले पे। जैसे हम थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद आपको क्या करना हो इस वाले पे क्लिक कर देना होगा अकाउंट सेंटर पे। जैसे हम अकाउंट सेंटर पे क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा यहाँ से पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। यहाँ से दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ से हमारा डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस वाले पे हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले पे क्लिक कर देना होगा। जैसे हम नीचे वाले पे क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। जो भी आपका दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। बाय चांस मान लो दोस्तों हमें एक यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा है, इस वाले को अगर हमें डिलीट करना है तो हम इस वाले पे क्लिक कर दिए। उसके बाद देखो हमारे सामने एक ये आ जाता है दोस्तों कि यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीट परमानेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोस्तों परमानेंट अकाउंट, इसको डिलीट कर सकते हैं। इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप इनमें से एक को किसी को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हम इस पे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों हम एक बार और कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे दोस्तों आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम एक बार और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका इंस्टाग्राम डिलीट हो जाएगा परमानेंट हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को 48 घंटे के लिए आपको दोस्तों लॉगिन दोबारा नहीं करना। अगर दोस्तों आप 48 घंटे के अंदर लॉगिन नहीं करते हो तो आपका इंस्टाग्राम परमानेंट डिलीट हो जाएगा।